नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से टुडेज न्यूज पर। हम लेकर आए हैं आपके लिए बिहार की 20 बड़ी खबरें। बिहार में राजद ने की उम्मीदवारों की घोषणा, कांग्रेस में अब भी सस्पेंस बरकरार। लोकसभा चुनाव, गिरिराज के खिलाफ कन्हैया ने ठोकी ताल, महागठबंधन के लिए भी करेंगे प्रचार। उत्तर प्रदेश और बिहार में 3-3 सीटों पर लड़ेगी आम आदमी पार्टी। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र में सड़क हादसे, 14 यात्रियों की मौत, 59 लोग घायल। टिकट कटा तो शत्रुघ्न ने बोला, हर एक्शन का रिएक्शन होता है, आडवाणी जी के साथ अन्याय। कांग्रेस के मंच से गरजेंगे तेजस्वी यादव, यूपी लोकसभा चुनाव में बने स्टार प्रचारक। कन्हैया ने गिरिराज के खिलाफ भरी हुंकार, कहा महागठबंधन के लिए भी करेंगे प्रचार। पटना में अनियंत्रित ट्रक ने बाइक और ऑटो को रौंदा, 5 लोगों की मौत, 12 घायल। समस्तीपुर में किराना व्यापारी को मारी 2 गोलियां, घायल होने पर भी बाइक चला घर पहुंचे। सासाराम में देर से घर लौटी 2 बेटियों से झगड़ा कर मां ने खाया जहर, दोनों को खिलाया, 1 की मौत। बेगूसराय में जमीन विवाद में बड़े भाई ने छोटे की ली जान। शत्रुघ्न को सुशील की मुफ्त सलाह, और फजीहत ना करें, चुनाव मत लड़िए, पोलिंग एजेंट नहीं मिलेगा। तेजस्वी का रामविलास पर बड़ा हमला, कहा आरक्षित सीटों पर लड़ रहे आरक्षण का विरोध करने वाले पासवान परिवार के 3 सदस्य। राजद को बड़ा झटका, भाजपा में जाएंगे अन्नपूर्णा देवी, मुख्यमंत्री से की मुलाकात, कोडरमा सीट से लड़ सकती हैं। बख्तियारपुर में सड़क हादसा, 5 लोगों की मौत, 8 घायल। पूर्व प्रदेश महामंत्री ने बीजेपी से तोड़ा नाता, कहा चुनाव में सिखाएंगे सबक। तेजस्वी यादव ने कहा देश की जनता थानेदार है जो चौकीदार को सजा देगी। लोकसभा चुनाव 2019, नवादा सीट छोड़कर अब जहानाबाद से ही लड़ेंगे अरुण कुमार। बिहार के पूर्णिया जिले में गैंगवार में AK-47 से 3 लोगों की गोली मारकर हत्या, आरोपी फरार। 31 मार्च को PM करेंगे नालंदा में चौकीदार कार्यकर्ताओं से बात। बिहार की 20 बड़ी खबरें बस यहीं तक। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे प्रोग्राम को YouTube पर भी देख सकते हैं और हमारे ऐप को Google Play Store से डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक यू।